subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. The Green Rice and Oil Seeds Merchants Association organized Nileshwara Foundation blood donation camp for cancer patients in association with Tata Memorial Hospital cha madhyamatun. FMC ethil Danabandar market madhe digital health screening 70 types of checkup in 11 minutes se ayojan 23 and 24 September roji karnat aale hote. याचे उद्घाटन बेलापूर मतदार संघाचे आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी त्यांच्या समवेत माजी नगरसेवक राजू शिंदे, प्रेसिडेंट शरद मारू, व्हाईस प्रेसिडेंट महेंद्र गजरा, जॉईंट सेक्रेटरी भीमजी भाई भानुशाली, अमृतलाल जैन, जैन गांगर, ट्रस्टी निलेश वीरा, मयूर सोनी, डॉक्टर जुईली चारमोडे उपस्थित होत्या. कॅन्सर पेशंटला रक्त मिळत नसल्याने हा ब्लड डोनेशन कॅम्पच्या माध्यमातून कमीत कमी 2000 बॉटल रक्त गोळा करण्याचा मानस या ग्रोमा सेंटरच्या माध्यमातून आहे. आरोग्य सेवा ही ईश्वर सेवा आहे व आज व्यापारी वर्गाने जे ब्लड डोनेशन कॅम्प आयोजित केले ते चांगलं काम करत असल्याचे आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले. जबी नवी मुंबई में मार्केट में वैक्सीन नहीं मिल रहा था और वैक्सीन के लिए माताड़ी मापाड़ी व्यापारी लोगों को वैक्सीन के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, तभी गोरमा सेंटर में से हमारे शरद भाई मारू हो गए, नीले जी है, सब भानुशाली ग्रुप है, इन्होंने वैक्सीन सेंटर चालू किया. 6 महीना हो गए, आज 6 महीने में कम से कम 10,500 लोगों को वहाँ पर वैक्सीन दी गई है. उसके बाद में कैंसर पेशेंट के लिए ब्लड नहीं मिल रहा है और जब ही नीलेश भाई वोरा को बताया गया और मारू भाई को कि ब्लड की बहुत ज़रूरी है, उन्होंने 2000 बॉटल कैंसर पेशेंट के लिए इकट्ठा करके देने का ऐलान किया और आज ये कैंप शुरू हो गया. इस कैंप से 500 बॉटल इकट्ठा करेंगे और जो जो सोसाइटी इनको कांटेक्ट करेगी उनको भी वो लोग ब्लड कैंप लगा के ये कैंसर का जो हॉस्पिटल है उसको ये 2000 बॉटल करके देंगे. आपको पता है आरोग्य सेवा ईश्वर सेवा है और ये पूरा ग्रुप, ये जो व्यापारियों का ग्रुप है, ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं.
ये देखकर सभी लोगों ने, सभी संस्थाओं ने ऐसा काम अपने अपने एरिया में करेगा तो मुझे लगता है ब्लड के लिए कोई कमी नहीं होगी। और ये जो कैंसर पेशेंट है, आपको पता है कि आज ही मेरे पास एक कैंसर पेशेंट आया था, उसकी माँ एडमिट है, उसको उधर रहने को जगह नहीं है। उसके लिए मैंने अभी लेटर दिया कि वहाँ एक संस्था है उसमें से रहने को जगह दो करके। मुझे व्यापारी भाइयों को कहना है कि आगे चल के अपन भी कुछ ऐसा एक सेंटर, जो लोग आते हैं कैंसर के लिए बार बार गांव से आते हैं, कोई गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली है या यूपी बिहार है, वहाँ से आते हैं, मगर उनको यहाँ रहने की, उनके पेशेंट के साथ जो लोग हैं उनको रहने की व्यवस्था नहीं होती, उसके लिए अपन मिलके। वैसे हमने एक नेहरूल में गुजराती समाज ने बनाया हुआ है, मगर वो एक समाज का है, मगर अलग अलग लोग आते हैं तो उनके लिए भी अपन एक सोच के कुछ करना चाहिए। सिड़कों में बात करके ऐसे लोगों को रहने के लिए कुछ सेंटर बनना चाहिए, मैं ज़रूर बात करूँगी उसके अंदर भी। क्योंकि बहुत ये दुखी लोग रहते हैं, एक तो उनको टाटा हॉस्पिटल में मिलता नहीं जगह, जगह मिलने के बाद पेशेंट के रिश्तेदारों को नहीं रहने को मिलता है, 2,000-3,000 कहाँ से देंगे रूम के लिए। आज मेरे पास एक बिहार का पेशेंट आया था, मैंने अभी लेटर दे दिया उधर जो जो संस्था के रहने के मकान है उसके अंदर। तो ये होना भी बहुत नवी मुंबई के लिए ज़रूरी है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी टीम बहुत अच्छी काम कर रही है, आगे चल के आप एक समाज में संदेश भी दे रहे हैं। जो जो राजनीति में लोग हैं, जो नगर सेवक है, जो बड़े बड़े पोस्ट पे है, उन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट करके आज सरकार को मदद करनी चाहिए। ये सरकार का अकेले का काम नहीं है, हमारा सबका मिल के काम है, और इससे बहुत सारे पेशेंट को एक दिलासा मिलने वाला है, और मारू भाई एक अच्छा आशीर्वाद भी आप लोग को मिलने वाला है। धन्यवाद। मुझे इन व्यापारी को इंटरनेशनल मार्केट में देखना है, उसके लिए मैंने सिड़कों से ही बात की। बीच में मैंने आदरणीय देश के नेता है, कृषि मंत्री थे शरद पवार जी, उनसे भी बात की है कि देखो इन व्यापारों को, जहाँ अभी एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ JNPT है, ऐसे जगह अगर इन व्यापारों को एक अच्छा मार्केट अगर उपलब्ध करके दोगे तो इन व्यापारी को बहुत ही एक दिलासा मिलेगा। आपने देखा इस मार्केट की हालत क्या है, कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। इसमें जो बेचारे गरीब है, जो माताड़ी लोग हैं, जो वजन उठाते हैं, उनको भी कुछ हादसे में जख्म हो सकती है, जान जा सकती है, व्यापारी लोग की जान जा सकती है। मेरे गए 5-6 महीने से कोशिश चालू है कि इन व्यापारों को अच्छा, इनको मार्केट बना के मिलना चाहिए। आगे जाके इंटरनेशनल अगर मार्केट नई सुविधा मिलेगी तो निश्चित व्यापार को एक अच्छा बढ़ावा मिलेगा Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.